विंध्याचल में मां विंध्यावासिनी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मंदिर पहुंचकर मां विंध्यावासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वह मां की कृपा से हूँ। मनोज तिवारी ने बिहार की सियायत को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री और सुशील मोदी पर कहा कि आज शपथ ग्रहण होगी, उसी समय पता चल जाएगा। थोड़ी देर की बात है, पार्टी निर्णय कर रही है कि किसको बनाया जाए। यह भी सत्य है कि एक की जगह दो की भी बातचीत डिस्कशन में है। मूल उद्देश्य है कि बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने पर कहा कि डिप्टी सीएम नहीं बनने पर नाराज नहीं है, यह बीजेपी है, यहाँ पर बारी बारी से सबको मौका मिलता है। सुशील मोदी जी ने ट्विटर पर खुद ही बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, आगे भी पार्टी उनकी सेवाएं लेगी। आज हम अपनी माँ का दर्शन करने आए हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आए हैं। कई दिनों से काफ़ी गैप हो गया था पिछले दर्शन से इस दर्शन तक, तो मैं अक्सर ही आता रहता हूँ माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में, यहीं के बल से खड़े हैं। एक पीछे बहुत सारी माँ के चरणों में प्रार्थना करते रहते थे, जो प्रार्थना करता हूँ सब सफल हो जाती है, तो माँ विंध्यवासिनी के चरणों में शीश नवाने आए। मिर्ज़ापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।